आई कैन डिस्क्राइब इट, आई एम काइंड ऑफ डिप्रेस्ड एंड सो लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखा मैंने एक बंदा कोई पूछ रहा था कि मेरे ट्वेल्थ में कितने आए थे, तो ऑनेस्टली टेलिंग वो आए नहीं थे, वो स्कूल पॉलिटिक्स की वजह से मुझे 81% मिले थे, क्योंकि हमारे टाइम पे कोई एग्ज़ाम तो हुआ नहीं था बोर्ड का, ऑल द एग्ज़ाम होते तो आई कुड हैव स्कोर अबव 90, बट चलो 81% आए थे। जैसे लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में आया कुछ दिन बाद पता चलता है कि VFS ने एक नया क्राइटेरिया निकाला है कि 90% वाले जो बच्चे हैं, 90% से अब जिनके हैं ट्वेल्थ क्लास में, उनको ये अपॉइंटमेंट मिल जा रही है, और जिनके नहीं हैं तो वो वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं। तो मैंने क्या किया कि नवंबर में मैंने मतलब अब बिलो 90 थे तो उसमें डाल दी वेटिंग लिस्ट में। उस वेटिंग लिस्ट में उसमें एक और क्राइटेरिया था कि अगर आपके टेस्ट ईयर्स में 100 अबव है कोर में तो आप एलिजिबल हो अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो मेरे फ्रेंड ने बताया तो मैं तुरंत वो फॉर्म भर दिया और मैंने देखा कि इस एग्ज़ाम को देने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगला एग्ज़ाम था 22 फरवरी को, तो वो मैंने उसके लिए फॉर्म भर दिया। उसको भरने के बाद होता ये है मेरे साथ कि मैंने छोटी सी गलती कर दी कि उसमें इंजीनियरिंग मॉड्यूल में फिल कर दिया, ऑल दो मुझे भरना चाहिए था MIN मॉड्यूल में, क्योंकि आई वॉन्ट टू स्टडी इन्फॉर्मेटिक्स, सो दैट इज़ प्रेफरेबल चॉइस फॉर द क्राइटेरिया। तो मैंने फिर उसमें चेंज करवा लिया, क्योंकि आप चेंज करा सकते हो इजीली अगर जब तक आपका उसका एडमिशन एडमिट लेटर नहीं आया। सो वो करा लिया और उसके बाद होता ये है कि मैं घर चला जाता हूँ। लास्ट वीडियो में आपने यहाँ तक देखा होगा, बट उसके बाद का प्रोसेस ये है कि मैं घर से वापस आता हूँ दिल्ली अपना सामान लेने के लिए, सामान लेके वापस जाता हूँ घर, और उसके बाद जो मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ घर में और ऑनलाइन ही अपनी क्लासेस कंटिन्यू करता हूँ। अब PG खाली करने का टाइम आ गया है, 15:00 है। चलो पूरा स्कूल चेंज हो गया भाई, इधर पूरा विंग बन गया है। मुझे 22 फरवरी से पहले आना है दिल्ली गोयथे में एग्ज़ाम देने के लिए टेस्ट केस का। मैं वापस आता हूँ और तभी मेरे साथ एक तकड़ी सी ट्रेजेडी होती है, वो आप भी वीडियो में देखोगे। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ माई लाइफ। यहाँ पे मैं आया हूँ अपने PG में फिर से। मेरा जो लॉक लगा हुआ था वो तोड़ दिया है इन्होंने और किसी और को दे दिया। तो यार इन सब स्कैमों से बच के रहना, अपने सिक्योरिटी के मामले में बहुत टाइट रहना, पर ये लाइफ लर्निंग लेसन्स है। कोई नहीं होता अपना, सबको अपना पैसा निकालना होता है। पर PG वालों के लिए ताला वाला तो बहुत छोटी चीज़ है यार। मेरा रूममेट वो भी इसी में ही आएगा, अभी तो बस यही है सिनेरियो। चलो भाई हो गया हमारा पेपर। भाई नाम बता दे यार, नाम याद नहीं रहते तुम्हारे, क्या इसका तो याद हो गया। और इस दिन मेरा टेस्ट का रिजल्ट आता है एंड आई स्कोर 98 points, बट मुझे वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए एटलीस्ट 100 points चाहिए थे कोर मॉड्यूल में, एंड आई वॉज टोटली ब्रोकन एट दिस टाइम, क्योंकि अगली एग्जाम की रजिस्ट्रेशन डेट ऑलरेडी निकल चुकी थी और आई वॉज टोटली नॉट इन अ सिचुएशन टू टेक द रिस्क कि मैं ब्लॉक्ड अकाउंट बनवा के जाऊँ और वहाँ जाके मुझे वीज़ा रिजेक्शन मिल जाए, क्योंकि मेरे 100 points नहीं है कोर में। सो आई वॉज टोटली ब्रोकन एट दिस टाइम। आई वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट एवरी पार्ट ऑफ माई लाइफ। अभी कुछ दिन बाद 26 अप्रैल को मेरा पेपर है, आज 20 अप्रैल हो गई, 26 अप्रैल को पेपर है। 4-5 दिन बचे हुए हैं, शाम जस्ट प्रिपेयरिंग अभी क्या कैसे हो रहा है। आई एम क्वाइट नर्वस अबाउट द एग्ज़ाम। अभी ह्यूरन किया सबसे ज़्यादा, जब ह्यूरन दे दिन पाया एक्सप्रेशन शायन, तो आई थिंक सर ने इतनी प्रैक्टिस करा दी है कि निकल जाएगा। आई एम जस्ट नॉट फाइंडिंग अ वे आउट, लाइक व्हाट शुड आई डू, आई एम नॉट फीलिंग लाइक डूइंग समथिंग, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद मी, बट मेरा कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा यार। क्या हो रहा है मेरे साथ, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, व्हाट शुड आई डू नाउ, आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन द स्टडीज, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग एल्स, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद मी, आई एम ट्राइंग टू फोकस बट हैपनिंग फॉर लास्ट लाइक 15 days, आई एम जस्ट क्लूलेस। What should I do now? So ये पूरा वीडियो बनाने का क्या मोटिव था, बस इतना ही मोटिव था कि यार तुम जब जर्नी स्टार्ट करोगे तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। घर में पैसे नहीं होंगे, घर वाले लोन लेंगे, लोन लेना पड़ेगा, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, फेलियर जाएंगे, एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, वीज़ा एप्लीकेशन नहीं हो पाएगा, वीज़ा नहीं मिलेगा, वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, फेलियर्स आएंगे, पैसे की प्रॉब्लम, सो ये सब होने वाला है। सो एंड बी रेडी फॉर दैट, बट ओनली थिंग यू हैव टू कीप डूइंग इट, यू हैव टू कीप
मूविंग ऑन कि यार करते रहना है करते रहना है. एंड यू नीड टू शेयर एवरीथिंग विद योर पेरेंट्स, दे आर द बिगेस्ट सपोर्टर्स गाइस. मेरे साथ जब वो सारे फेलियर्स हो रहे थे कि एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था, ये वीज़ा नहीं आ रहा था, वीज़ा की अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी, सो आई जस्ट टोल्ड माई डैड कि एग्ज़ाम नहीं निकला. सो ही वॉज लाइक क्या हुआ, फिर दे देना, अगली बार नहीं निकलता फिर दे देना, उसके बाद निकलता फिर दे देना, एग्ज़ाम ही तो है, क्या जा रहा है, इतना चिंता करने की क्या ज़रूरत है. सो आई वॉज लाइक यार, मतलब एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि यू एट लीस्ट नीड सम वन इन योर लाइफ टू सपोर्ट यू एवरी टाइम. सो इफ इन मैनी केसेस इफ नॉट पेरेंट्स देन सिबलिंग्स, इफ नॉट सिबलिंग्स देन फ्रेंड्स, तो एट लीस्ट सम वन यू नीड इन योर लाइफ टू इंकरेज यू टू कीप गोइंग. तो यही बस कहना है. एंड टाइम मिला तो ये वीडियो कम्प्लीट कर दिया, बना दिया. एंड नेक्स्ट वीडियो आई डोंट नो एज यूजल कब आएगा, टाइम मिलेगा तो बना दूंगा. एंड थैंक यू whoever is watching, whoever is commenting. पुराना चैनल यार आई नो बंद हो गया, वो कॉपीराइट स्ट्राइक्स म्यूजिक के इशूज़ एंड यू नो एवरीथिंग, बट क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो बताना है तुम लोग को, हेल्प करनी है. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो. ओके बाय.